मित्र भाई ने लिया है भाई न्यू GoPro Hero 9, तो गाइस स्किन कर दूंगा पूरी। तो भाई बच्चों के अल्टीमेट रिएक्शन रास्ते देखो, और भाई ये वाला व्यू देखो भाई कितना ऑसम है भाई। भाई पिछली बार तो भाई यहाँ से जहाँ तक भीड़ रहती थी, रास्ते चल रहा है सेंटर है राम भाई, देखो पिक्चर अंडरवेयर में। और ये अभी हमारे मिल गए हमें सब्सक्राइबर, ये चीज़ें ये चेक आउट करो भाई, व्यू देखो भाई, मतलब हेलमेट भी है, GoPro में आ गया है नंगो जो। और ये जा रहे हैं हमारे मामा। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ आप सब एकदम से बढ़िया हो। तो भाई आज तो लोग सुबह सीधा हम अपने घर से कर रहे हैं, तो भाई आज का सीन कुछ ऐसे होने वाले हैं। आज जाने वाले हैं हम तो एक कटा पत्थर, वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी जगह है भाई, वहाँ पे थोड़ा नहाने वहाने का सीन भी है, तो जाएंगे भाई वहाँ पे करेंगे फुल मस्ती। तो भाई अपने जो फैमिली वाला घर के लोग हैं ना सारे पहुँच चुके हैं, और बस मैं ही रह गया भाई, मैं हो चुका हूँ लेट। अभी शाम में यात्रा में मिलेंगे रास्ते में, उनको पिक करने हैं, देन उसके बाद चलते हैं सीधा कटा पत्थर। तो देख सकते हो घर पर लग रखा है ताला, हो गया अभी घर की हालत हो रखी है ख़राब। तो भाई आज पहली बार मैं अपने घर से अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तो भाई आपको मिलते हैं सीधा बाइक पे। भाई अभी चलते हैं सीधा कटा पत्थर के लिए, और ये लगी हुई है अपनी रैप्टर भाई। रैप्टर को थोड़ी सी अभी गंदी हो रखी है, अभी मैंने इसको साफ वाफ भी नहीं किया, और काफ़ी टाइम से वॉश भी नहीं हुई भाई। टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं सीधा आयतराम भाई को पिक करते हैं। आयतराम भाई अभी मुझे बाहर ही मिलेंगे, तो यहाँ पर रुक के आयतराम भाई को करते हैं कॉल, हर बार लेट करता है भाई। सो गाइस अभी क्या हुआ, एहतराम भाई को कर लिया है हमने पिक, तो अब जा रहे हैं हम सीधा कटा पत्थर के लिए। तो भाई वहाँ पे तबाही वाला सीन करेंगे भाई, इन्जॉय करेंगे एकदम से भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, तो वहाँ पे नहाने वगैरह का सीन है, तो नहाएंगे फुल इन्जॉय करेंगे और थोड़ा सा मस्ती भी करेंगे। आज एक चीज़ मेरे को बताना, तुम्हारे भाई ने लिया है भाई न्यू GoPro Hero 9, तो गाइस क्लियरिटी अगर तुम्हें कुछ क्लियरिटी में थोड़ा फ़र्क दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई पहले क्या 7 यूज़ करता था, तो इसका मुझे बताना इसका भाई क्लियरिटी वगैरह कैसी है भाई। और मैंने माइक भी न्यू परचेस किया है, तो इसका साउंड भी मुझे बताना, इसका साउंड कैसा आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना, क्योंकि यार अभी मुझे एंगल वगैरह का भी नहीं पता होगा, एकदम से रैंडमली सब कुछ एकदम से मतलब किया है, एकदम से प्लान बना था यार। और फैमिली वाले सीधा कटा पत्थर पहुँच गए, उन्होंने बोला जल्दी आ, हम यहाँ पर पहुँच गए, जा चुका था, अभी चलते हैं सीधा कटा पत्थर के लिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं यूज़ करता था GoPro Hero 7, और मैं भी यूज़ करता था बोया का माइक, बोया भाई M1। बट उसमें क्या होता था यार कि उसकी जो वायर थी ना भाई बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसमें ना मतलब हेलमेट में ना वो मतलब फिक्स करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब तुम्हारे भाई ने जो माइक लिया है वो लिया है सोनी का माइक लिया है भाई, वो थोड़ा कॉस्टली आता है, बट कोई नहीं यार, साउंड भी तो अच्छा आना चाहिए ना, मैं बता रहा था उसमें साउंड भी अच्छा आना चाहिए, तो इसलिए तुम्हारे भाई ने लिया है सोनी का माइक। अब पता नहीं यार मुझे साउंड कैसे आ रही होगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना साउंड अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वरना फिर इसको भी चेंज करेंगे। देखना जो GoPro और एक माइक का ना, मैं एक प्रॉपर वीडियो एक अलग से भाई बना दूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ एक ना GoPro को अपने अपने सेटअप को लेकर ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ भाई, कैसे हम अपने हेलमेट पे अपने GoPro को सेट करते हैं, माइक वगैरह कैसे अपने हेलमेट में फिक्स करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आपको ये वाला वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एक वीडियो बना लूँगा। तो आप देखना आगे क्या सीन रहने वाले हैं भाई, कितना एक तो वहाँ पे भीड़ भी, पिछली बार ना भाई पिछले सीज़न में क्या हुआ, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा बार। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कटा पत्थर इस सीज़न में, तो अभी देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। बाकी अभी जैसे कि यार अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, बट अभी इतनी गर्मी नहीं आई क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है ना यहाँ पे, और मौसम एकदम ठंडा रहता है, तो इसलिए अभी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। अभी जैसे जून जुलाई में आएंगे ना भाई, गर्मी पड़ने वाली है एकदम से खतरनाक, तो भाई कटा पत्थर का सीन होने वाला है एकदम भयंकर। तो चलो कटा पत्थर जाना है भाई, भाई लीन कर दूंगा पूरी। अच्छा मैं यार इतना ज्यादा लेट हो चुका ना भाई, वो अपनी जो पार्टी वगैरह है ना भाई कर भी चुके होंगे। अब पता नहीं फोन आया था, बोला कि भाई हम अपने पार्टी वगैरह कर रहे, बोला कि 10 मिनट रुको बस, उसके बाद में वहीं पे पहुंच रहा। ये रास्ता जाता है सीधा कालसी के लिए, और जा रहा है सीधा कटा पत्थर के लिए। और ये जो देख रहे हो आप, एक छोटी सी नहर, बहुत ही प्यारी सी नहर आ रही है, इसमें पानी एकदम से साफ है, तो कुछ इसमें भी नहाते हैं। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है, तुम्हारा भाई ना थोड़ा सा ट्राई कर रहा है भाई डेली व्लॉगिंग के लिए। जैसे भाई मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है भाई। अभी क्या सीन हुआ भाई, मैं जैसे जो मेरे पास GoPro Hero 7 था उसका क्या हुआ भाई, मैंने अपना सेटअप रखा हुआ था, पता नहीं कैसे यार घर में चूहे आए, और उन्होंने भाई अपना जो माइक अडेप्टर है और अपना जो माइक है ना भाई बोया का भाई, वो उसको कट कर दिया था भाई बिल्कुल। और यार बुरा लगा ना यार तुम्हारे भाई, क्योंकि यार अभी इतना चूह भी नहीं हो यार, खुद से करना है, खुद से सब कुछ लेना है यार। अभी अपना तो वाला सीन भी नहीं हो रही, देखो भाई बच्चों के अल्टीमेट रिएक्शन सीन भी नहीं आना कि भाई अभी तो हम कर रहे हैं और अपने पैसे सब कुछ लेने हैं, हमारा भाई वो सीन नहीं है कि पापा से पैसे लो, बाइक भी लो, ये भी लो, वो भी लो। अपना सीन क्या है भाई, खुद से करता हूँ भाई, तुम्हारा भाई पार्लर का काम करता है, थोड़े थोड़े जो अपनी इनकम है ना
थोड़ी थोड़ी अपनी शेविंग करता हूँ, और फिर उसके बाद भाई तुम्हारे भाई ने बाइक ली थी, देन उसके बाद हेलमेट, फिर उसके बाद GoPro 7 लिया, अब 9 लिया, फिर माइक लिया था, अब दूसरा माइक लिया। भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। रास्ते देखो, और भाई ये वाला व्यू देखो भाई, कितना ऑसम है भाई। मतलब ये ना कैमरे से देखने में कुछ अलग ही लगता है, और अगर तुम वैसे देखोगे ना भाई आंखों से, भाई अल्टीमेट इतना फर्स्ट क्लास लगता है ना भाई, बहुत ज़्यादा। ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग मिल गई भाई। तो मैं आपको ना ये सब चीज़ें अपनी लाइफ की, जो ये सब चीज़ें हैं ना, वो सब मैं इसलिए बताता हूँ यार, क्योंकि मैंने आपको, जितने मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हैं ना, मैं उनको ना मैं एक फैमिली की तरह मानता हूँ भाई। और मुझे अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, वो सब चीज़ें मैं तुमसे शेयर करता हूँ, तो अच्छा लगता है भाई। क्योंकि भाई एक मिडिल क्लास बॉय के लिए, मतलब लड़के के लिए ना, इतना सब कुछ अचीव करना भाई, बाइक लेना और इतना महंगा भाई कैमरा लेना, वो इतना आसान नहीं होता। अपना क्या सीन है भाई, गड्ढा खोदना और पानी पीना, अगर करेंगे तो मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बट भाई अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ दाव पे लगा दिया भाई, अपने एकदम अपने, मतलब जो भी मैंने अपने लिए सेविंग्स वगैरह, मतलब जो भी मैंने पैसे अपने जमा किए हुए थे ना, वो भाई मैंने सब कुछ लगा दिया भाई, सब कुछ। तो पीछे तो यार नहीं हटना, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई की वीडियो को शेयर करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तुम्हारे भाई की, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब वाले बटन पे आधा पत्थर जो भी मिले सीधा मार दो, बस सब्सक्राइब कर दो। और भाई अभी आने वाले हैं हम कटा पत्थर। भाई पिछली बार तो भाई यहाँ से यहाँ तक भीड़ रहती थी, तो है तो थोड़ी भीड़ है बट ज़्यादा नहीं। अब पार्किंग देखते हैं भाई, बाइक को कहाँ पे लगाना है, बाइक को थोड़ा सेफली जगह लगाना होगा भाई। कहाँ पार्क करनी है? हाँ सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं सीधा कटा पत्थर के लिए, और कुछ इस तरीके के रास्ते जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो इसका मेन वाला रास्ता है वो बंद किया हुआ है। अभी हमारे साथ है, इसी रास्ते चलना है क्या भाई? तुम रास्ता एक बार रास्ता चेकआउट करो, एडवेंचर टाइप का, जैसे कि कहीं पहाड़ों में आ गए हो। इसका जो मेन वाला जो रास्ता है ना भाई, वो बंद किया हुआ है, क्योंकि भीड़ की वजह से ना, थोड़ा देख के भाई थक गए यार इतना चलते चलते। इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं है यार यहाँ पे ना। मैं आपको रास्ते में आगे आगे दिखाता हूँ क्या का सीन रहने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहे। तो भाई आज अपनी लोकेशन पर मैं दिखाने चाहूँगा भाई, पीछे भी ये चीज़ चेकआउट करो भाई, और ये जा रही है अरे यहाँ से करने वाले हम एंटर है राम भाई, देखो पीछे अंडरवेयर में। बट हमारे फैमिली मेम्बर कहाँ हैं भाई, वो नहीं दिख रहे, देखते हैं वो कहाँ हैं, उनको ढूंढते हैं। और ये अभी हमारे मिल गए हमें सब्सक्राइबर, ये चीज़ें ये चेकआउट कर रहे हैं भाई, भाई का भी चैनल है भाई, भाई के चैनल के साथ मिस्टर लवर वाइटी, मिस्टर लवर वाइटी है भाई, भाई भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं भाई, भाई के चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो, चेकआउट करो भाई, व्यू देखो भाई, मतलब कितनी अल्टीमेट लोकेशन है भाई। अगर पिकनिक वगैरह के लिए किसको आना है ना भाई, बहुत ही प्यारी लोकेशन है भाई। और ये देखो अभी हमें इस छोटी सी नदी को पार करके, भाई मेरे शूज़ पहनने हुए, जूते गिल्ले करने पड़ेंगे यार उसके लिए, तुम्हारे भाई के जूते गिल्ले हो गए, हेलमेट भी है, GoPro ना गया है भाई, ये अभी ये GoPro हमारा क्या वाटर प्रूफ तो है नहीं। तो भाई कहाँ पे नहा रहे बैंक, अभी हमें वहाँ जाना है। तो फाइनली गाइस इतनी मुश्किलों के बाद तुम्हारे भाई पहुँच गए नेक्स्ट लेवल लोकेशन पर, भी देखो। और ये रहे हमारे मामा, ये नंगू, वैसा अल्टीमेट सीन हो रहा है। तो गाइस अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं सीधा, अभी सॉरी चलते तो कहीं नहीं है, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा, खाते पीते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा वीडियो में। यो तो गाइस अभी हम नहा रहे हैं यहाँ पे, और भाई इतना ठंडा हो रहा है ना भाई, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे तो अभी कुछ सब्सक्राइबर मिल रखे हैं हमारे समीर भाई, जो अपनी वीडियो थे भाई, वीडियो कैसे लगते हैं भाई? वीडियो थे एक नंबर बनाता है, एक नंबर भाई। अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट और शेयर तो फिलहाल तो पूरी दुनिया में। जो भी पिकनिक वगैरह थी सब कुछ हो गया, पार्टी वगैरह कर ली अपनी, और भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना भाई, बहुत ज़्यादा। और अगर आप यहाँ पे आओगे ना, आप आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, समझ रहे हो ना। और ही जा रहे हैं हमारे मामा और मामी, तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो अभी चलते हैं सीधा, हम आपको मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। सो गाइस अभी इंजॉय वगैरह करके हम निकल चुके हैं सीधा अपने घर की साइड को। बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम बाद मैंने अपने फैमिली के साथ भाई इतना टाइम स्पेंड किया है। बट जो मेरी रियल फैमिली है वो तो यहाँ पे रहती नहीं भाई, वो हरिद्वार में रहते हैं। ये मेरे मामा हो रहे हैं, मामा मौसी, इनकी शादी हुई थी अभी रिसेंटली, वो आ रखे थे। तो ईद के बाद बस अभी टाइम मिला, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे
घूमने के लिए आ गए। बाकी घूमने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है भाई, बहुत अच्छा, बहुत। और भाई गीला हो रखा हूँ भाई पूरा, और ठंडा लग रहा है यार भाई बाइक पे चलते हुए ना। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर अब कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आया तो, क्योंकि यार मेरे साथ क्या होता है जब भी मैं रेगुलर वीडियो लाने का कोशिश करता हूँ तभी कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, कभी मेरा माइक खराब हो जाता है, कभी गोप्रो हैंग हो जाता है, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ करके ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।